नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शेमारू चैनल्स। जी आप कौन? लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। सुमन दीदी यही रहती है? हाँ सुमन। अरे रंजीत तू तो शाम को आने वाला था। अरे दीदी जिंदगी में कब कौन आ जाए, कहाँ से आ जाए और किससे टकरा जाए ये तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। हा? वैसे शादी की सालगिरह मुबारक हो दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? दिखता नहीं मेरा भाई आया है? जा जाके इसके लिए कमरा तैयार कर। जी दीदी। वैसे एक बात बताऊं दीदी, आपने नौकरानी बहुत कमाल की रखी है। सुनिए कुछ चाहिए था आपको? आप देंगी वो? दरअसल इन पकौड़ों को लहसुन की चटनी मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। ये लीजिए। थैंक यू। लो अम्मा संतोषी माँ का प्रसाद। जीते रहो। लो आप भी लो। लाइए लो बहन संतोषी माँ का प्रसाद। बहुत अच्छा। संतोषी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। कोई काम दे दो बेटी, दो पैसे कमा लूंगी तो बच्चे कम से कम भूखे तो नहीं सोएंगे ना। अब काम तो है मगर कोई परेशानी है? नहीं माँ जी ठीक है आप आइए। लाइए इधर दीजिए। नमस्ते नमस्ते। सब कुछ ठीक है? आइए खाना खाइए। अच्छा? बाकी सब ठीक चल रहा है? भाभी आप बैठिए देख लीजिए। ये लीजिए। तुम क्या खाओगी? तुम्हारे लिए तो कुछ खाना ही नहीं बचा है। नहीं आज वैसे भी मेरा माँ संतोषी का व्रत है, आप ले लीजिए। अरे हाँ याद आया, एक भली औरत ने आज मुझे ये प्रसाद दिया था। लो संतोषी माँ का प्रसाद। धन्यवाद। बिल्कुल मेरी माँ के हाथ का बना प्रसाद लग रहा है। अगले शुक्रवार मेरा 16वां व्रत है। प्रार्थना कीजिए माँ जी कि मेरा उद्यापन सफल हो। तुम्हारी प्रार्थना माँ ने सुन ली। जुग जुग जियो बेटी, फलो फूलो सदा सुहागन रहो। अरे बॉबी छोड़ दे, एक दिन में सीखने की चीज नहीं है। तो तू ही सिखा देना यार। आज नहीं यार। बॉबी तुम्हारे दोस्त का मूड इतना ऑफ क्यों है? ऑफ तो होगा ही, बेचारा करने कुछ और आया था और करना कुछ और पड़ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि अपना दोस्त अनुराग यहाँ सिंगर बनने आया था और आप इसे सुपरवाइजर बनाना चाहती हैं। क्या बॉबी सच कह रहा है? तुम सिंगर बनना चाहते हो अनुराग? बॉबी की यही प्रॉब्लम है, ये कभी चुप नहीं रह सकता। हेलो। हाय नेहा कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ यार। एक्चुअली तुमसे अपने एक दोस्त के बारे में बात करना चाहती थी। उसका नाम अनुराग है और वो बहुत ही अच्छा गाता है। अच्छा तो क्लासिकल में भी ट्रेनिंग ली है उसने? हाँ हाँ क्लासिकल भी जरूर सीखा होगा। ट्रस्ट मी यार शालिनी, वो बहुत ही अच्छा सिंगर है एंड ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज म्यूजिक। कोई तो बात होगी ना यार। ऑल राइट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू एक काम कर, मैं तुझे कार्ड भेजती हूँ। मिस्टर खंडेलवाल परसेप्ट म्यूजिक के सीईओ हैं। अनुराग से कहो कि उनसे जाकर मिले और कहे कि मैंने भेजा है। मैं बात कर लेती हूँ इतनी देर में। हेलो जी सर। ओके सर। या जी सर, मैं मिस्टर खंडेलवाल से मिलना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम अनुराग है। शालिनी जी ने ये कार्ड दिया है। ओके सर, जस्ट अ मोमेंट। हेलो सर, आपसे मिस्टर अनुराग मिलने आए हैं। ओके सर, प्लीज़ आप बैठ जाइए। हेलो, यस सर। जी सर। मैम, और कितना वक्त लगेगा? भाई साहब, आपको कहा तो आज नहीं मिल सकते, कल आना। बिजी है। अरे कल आ जाना। चल बॉबी। हाँ, तो फाइल का क्या हुआ? महिमा, जाने कहाँ चले गए। हाय राम, कहाँ ढूंढूं अब। महिमा जी, क्या हुआ दीदी? कपट में से मेरे सोने के कंगन गायब है। कहाँ छुपाए तूने? कंगन मुझे नहीं पता दीदी। अच्छा, तो फिर किसे पता होगा? अब तो कोई नौकर भी नहीं है इस घर में, और इस कमरे में मेरे अलावा और कौन आता है? सिर्फ तुम, है ना? दीदी प्लीज आप एक बार और देख लीजिए, यही होंगे। अच्छा, मेरे साथ नाटक करती है हाँ? सीधे से बता कि मेरे कंगन कहाँ है, या फिर खाने जाकर बताएगी कोड़े खाके कि मेरे कंगन कहाँ है। बता बता, झूठी कहीं की। दीदी मेरे सच में नहीं ले, मेरा विश्वास कीजिए। दीदी, अरे भगवान, ये रोज रोज के झगड़ों से कब छुड़ाएगा। अब क्या कर दिया चुड़ैल ने? चोरी माँ जी, चोरी नहीं, मेरे सोने के कंगन जो मेरी माँ ने मेरी गोद भराई पे दिए थे, उस पर इस चोरी ने अपना हाथ साफ कर दिया। अरे डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, और तू बेशर्म अपने ही घर में। संतोषी माँ की सौगंध माँ जी, मैं इन कंगनों के बारे में कुछ नहीं जानती। अरे शोभा दीदी, जब महिमा जी बेचारी माँ की सौगंध खा रही हैं, तो सच ही कह रही होंगी। मान भी जाइए, माफ कर दीजिए ना बेचारी को। अरे भैया, आप नहीं जानते, पहले तो घर वाला भाग गया हमें कंगाल करके, और अब जो कुछ बचा कुचा है उस पर ये ढाका डालना चाहती है ना? अरे दीदी, ये चोरनी ऐसे नहीं मानने वाली। आप मेरे साथ चलिए, हम इसके कमरे की तलाशी लेते हैं। रंजीत चल, रंजीत चल। हाँ। देख जल्दी देख। संतोषी माँ, तुम तो जानते हो कंगन किसके पास है, कहाँ है। अगर इस अपमान में भी तुम मेरी परीक्षा ले रही हो, तो मुझे इसे सहने की भी शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए संतोषी माँ। कड़ी है कलाइया, फुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। आहा, लो ये अच्छा है। हाँ? अरे अपना बना ले मुझे जालिमा, गोरी कलाइया। दीवान पर बैठे। बेटा संतराम। हाँ जी। आंख बंद करके अपना रिक्शा पीछे वाली गली में ले चलो। जी। बाय टीचर। बाय। नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए आपकी फीस। धन्यवाद। हाँ। संतराम चल। जी अच्छा। बताइए पैसे कहाँ से आए? अरे अगर तुझे पैसों की इतनी जरूरत थी तो हमें बता सकती थी। अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा हो तो मुझे पता ही नहीं चलता था। बोल सबको कि ये पैसे आए कहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखा माँ जी, इसी चीज की कमी रह गई थी। अरे बहना, श्रीपाल भैया को गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? नहीं, वैसे श्रीपाल भैया को बात की तह तक जाए बगैर महिमा जी पे ऐसे इल्जाम लगाना नहीं चाहिए। ए रंजीत, चुप रहो तुम। ये हमारे घर का मामला, इसको हम ही निपटाएंगे। हे भगवान, जाने कहाँ का कूड़ा हमारे भाग्य में लिखा है। माँ जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये ट्यूशन्स के पैसे मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आप बाबूजी से पूछ लीजिए प्लीज। बाबूजी क्या बाजार जाएंगे ये पूछने कि उनकी लाडली बहू पढ़ाती है या किसी के साथ मुंह काला करती है। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर आज के बाद ये लड़की घर से बाहर निकली तो मैं तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगा, समझी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आज के बाद तेरा ट्यूशन बंद, घर से निकलना भी बंद, सब बंद। अनुराग, अनुराग, आ जाओ अनुराग, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी और बर्दाश्त नहीं होता अनुराग, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेचारी मेरी माँ इतने चाव से मेरे लिए 5 तोले के कंगन बनाए थे, पर देखो तो कंगन चुराने के बाद भी इस मुंह झोली को चैन नहीं आया। कंगन? कौन से कंगन? अरे वही जो तेरे पापा को बहुत पसंद थे, नौक के नीचे से उड़ा ले गई बेशर्म कहीं की। वो वाले कंगन तो पापा ने आपके अलमारी से निकाले थे। क्या? क्या बकवास कर रही है? हाँ। जब आप सुमा चाची के साथ बाजार गई थी, उस दिन पापा ने आपकी अलमारी खोली और कंगन निकाले और बाहर चले गए। पापा, आपको लग रहा था कि मैं सो रही थी, लेकिन मैं जाग रही थी। हाँ, मैंने लिए थे मैंने तो है क्या? अरे बीवी मेरी है, घर मेरा है, और अपने ही घर में अपनी चीज लेने के लिए मुझे दूसरों से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? और उस दिन कोई घर में था नहीं तो मैं कैसे पूछता? दिमाग खराब करके रख दिया। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। शांति, बोल सकते हैं, लेकिन ये सब कैसे? ये किसी की प्रार्थना और मेहनत का फल है शांति। उसकी प्रार्थना का फल, जिसके लिए प्रार्थना करने वाला इस घर में कोई नहीं। अब रोने से क्या फायदा शांति? महिमा को तुम समझी नहीं, हमेशा उसे कोसती रही, सताती रही, और वो ना होती शांति तो मैं कब का मर खप गया होता। शांति, आप तो ऐसे मत कहिए, आपको मेरी उम्र लग जाए। जिस घर में रोज कलह होता हो, उस घर में लंबी उम्र जीने का क्या फायदा है शांति? तुम्हें तो पता भी नहीं है, बेचारी महिमा इस घर का सारा काम निपटाती थी, फिर सुधा की बेटी को पढ़ाने जाती थी ताकि मेरे लिए दवाइयां आ सके। हमारे बेटों बहुओं ने कभी पूछा तुमसे कि बाबूजी के लिए तुम्हें कुछ चाहिए? कभी उन्होंने इलाज के लिए एक भी पैसा दिया? शांति, तुम सब जानती हो, पर स्वीकार। बाबूजी, बाबूजी आप बोल रहे हैं। बाबूजी, संतोषी माता ने तेरी सुन ली। संतोषी माता तुझे शत शत प्रणाम। जीते रहो बेटी, जीती रहो। अनुराग सब ठीक तो है? तुम खंडेलवाल से मिले? वही तो कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि रोज उनके दफ्तर जाता हूँ, रोज इंतजार करता हूँ कि कब वो मुझे अंदर बुलाएंगे उनसे मिलने के लिए, पर उनके पास मेरे लिए 5 मिनट का भी वक्त नहीं है। What? How can you do that? हेलो शालिनी, व्हाट इज दिस यार? तुम्हारा ये खंडेलवाल अभी तक अनुराग से मिला ही नहीं, सिर्फ अपने ऑफिस के चक्कर कटवा रहा है। हेलो अंकल। ओह हेलो शालिनी, बैठो बैठो। थैंक यू। हाँ अंकल, ये मेरी फ्रेंड नेहा है, आपसे कुछ बात करना चाहती है। जी कहिए। मिस्टर खंडेलवाल, मेरा एक दोस्त है अनुराग, बहुत टैलेंटेड है। पिछले कई दिनों से आपके ऑफिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक आपसे मिल भी नहीं पाया। क्या इसी तरह आप नए टैलेंट्स को इनकरेज करते हैं? What? मुझे तो पता भी नहीं। Uncle, I did leave a message for you. शायद आपको मिला नहीं। Quite possible. You know, रोज यहाँ हजारों उम्मीदवार आते हैं, अब हर एक से पर्सनली मिलना तो मुमकिन नहीं है ना? No? अब आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं तो भाई जल्दी ऑडिशन रख लेते हैं। Are you happy now? Thank you, sir. Thank you so much. Yes, thank you so much, uncle. Thank you. Thank you. Thank you, sir.